वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। टूडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द ड्रग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ड्रग के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइट्स क्या होते हैं। जनरली ये पेन किलर्स होते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हीरोइंस जिसको हम कॉमनली स्मैक बोलते हैं, जिसका केमिकली नाम होता है डाइस्टाइल मॉर्फिन, जो कि वाइट होता है और ऑर्डरलेस होता है और विटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जो कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से जिसको ऑब्टेन किया जाता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टिव फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपर सोमनीफेरम। जनरली हम बात करते हैं ऑफाइट्स की, तो ऑफाइट्स जो होते हैं तो वो डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं हमारे फंक्शन को। तो ठीक है, ऑफाइट्स के बारे में आप तीन चार पॉइंट जो कि याद रखिएगा, वो पॉइंट्स ये हैं कि लेटेक्स से प्राप्त होते हैं पॉपी के, जिसको हम प्लांट जिसका नाम है पेपर सोमनीफेरम, और जो ये इनको हम स्मैक भी बोलते हैं, डाइस्टाइल मॉर्फिन जिसका कि केमिकल नाम है, और ये इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैनाबिनाइड्स की, देखिएगा। तो कैनाबिनाइड्स क्या हैं? कैनाबिनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंट्रैक्ट विथ कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। यानी कैनाबिनाइड्स के रिसेप्टर जो होते हैं मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली कैनाबिनाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिनस सैटिवा। यानी कि यहाँ से हम बात करते हैं कैनाबिनाइड्स की, तो उनको हम इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं कैनाबिनस सैटिवा, वहाँ से इसको हम ऑब्टेन करेंगे। फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजेंस ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना हसीस चरस एंड गांजा। यानी कि जो कैनाबिनाइड्स के प्लांट को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं, विभिन्न प्रकार के जब हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं कैनाबिनस प्लांट को, तो यहाँ से हम मैरिजुआना हसीस और चरस गांजा आदि यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। तो जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन ऑफ ओरल इंजेशन, दीज आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट फॉर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो यानी कि इसमें जो याद करने वाला पॉइंट ये है कि ये कैनाबिनस सैटिवा प्लांट से प्राप्त होते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और इनसे जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं वो होते हैं मरिजुआना हसीस चरस और गांजा, और ये जो इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त होते हैं कैनाबिनस सैटिवा के। तो इसमें ये याद करने के लिए पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं वो है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वो है कोकीन। तो कोकीन एल्कलॉइड होते हैं, आर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट एरेथ्रोजाइलम कोका, जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका। इट्स इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, यहाँ से डोपामीन रिलीज होता है। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इन यूजली स्नॉर्टेड, इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ से स्टिमुलेट करते हैं, और प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज्ड एनर्जी, यहाँ से इंक्रीज एनर्जी होती है, और एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉज हेलोसिनेशंस। ठीक है, अदर वेल नोन प्लांट्स विथ हेलोजेनेसिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं, एंड डेटूरा, दीज डे कैनाबिनाइड्स आर ऑल्सो बींग्स एब्यूज्ड बाई सम स्पोर्ट पर्सन। तो इस समय कैनाबिनाइड्स को कुछ स्पोर्ट्स पर्सन गलत यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।